सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, और हमने बहुत दफा इंटरनेट पे ये चीज समझाई है कि फ्रोजन शोल्डर का मतलब ये है कि शोल्डर के ऊपर जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाए। इस प्रोसीजर को ट्रीट करने के दो मेथड है, एक बगैर सर्जरी, एक सर्जरी के साथ, और एक मेथड है जिसके अंदर हम बगैर सर्जरी के इंजेक्शन लगा के शोल्डर के अंदर कैप्सूल को फुला देते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोडायलेटेशन। मतलब हमने नीडल डाल के शोल्डर जॉइंट के अंदर गए और अंदर जाके बैलून को फुला दिया। ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, मतलब बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, पेशेंट को पेन नहीं होता, हमें पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता, और इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 75-80% सक्सेसफुल होते हैं। मतलब अगर एक मरीज का हाथ हिल नहीं रहा इंजेक्शन के बाद, वो अपना पूरा हाथ उठा सकता है। अगर आप गौर से देखें एक्सरे मशीन के अंदर, तो आपको नजर आ रहा है कि मेरी नीडल की पोजीशन एग्जैक्टली इन द राइट स्पॉट जहां शोल्डर जॉइंट है। तो यू कैन सी द रिजल्ट कि शोल्डर हैज कंप्लीटली ओपन्ड अप, ऊपर तक लेके जाएं, एंड फुल रेंज ऑफ मूवमेंट हैज बीन अचीव्ड। थैंक यू।